भगवान राम की शोभा यात्रा में 40,000 से अधिक लोग हुए शामिल। हेलीकॉप्टर से 600 किलो फूलों की हुई पुष्प वर्षा। 4 किलोमीटर तक लगी लंबी कतारें। डूंगरपुर, रामनवमी पर गुरुवार को शहर राममय हो गया। जन्मोत्सव के बाद बादल महल से भगवान राम की शोभा यात्रा निकली तो हजारों का हुजूम सड़क पर उमड़ पड़ा। भक्ति गीतों एवं बैंड बाजों की धुन के बीच में भगवा साभा बाना पहनकर हाथ में भगवा ध्वज लेकर लोग उत्साह से शोभा यात्रा में शामिल हुए। भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए ऐसा जन हुजूम जुटा कि पूरा शहर भगवामय नजर आने लगा। करीब 4 किलोमीटर तक लंबी शोभा यात्रा में जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही थी। शोभा यात्रा में नासिक के बैंड हेलीकॉप्टर की पुष्प वर्षा ने शोभा यात्रा को और शोभा बढ़ा दी। 50 से ज्यादा डीजे बैंड शामिल। रास्ते में गुजरी यात्रा शोभा यात्रा में 50 से ज्यादा डीजे शामिल हुए। वहीं नासिक के विशेष बैंड के अलावा कई बैंड भी शोभा यात्रा में भक्ति गीतों से समा बांध रहे थे। शोभा यात्रा बादल महल से रवाना होते हुए शास्त्री कॉलोनी, तहसील चौराया, सोनिया चौक होते हुए पूरा शहर घूमते हुए वापिस बादल महल पहुंची। वहीं शोभा यात्रा में करीब 30 बग्गियां और 60 घोड़े हुए शामिल। जीवंत झांकियां शोभा यात्रा के आकर्षक का केंद्र बनी रही। 4 किलोमीटर तक लगी लंबी कतारें। इस बार की शोभा यात्रा डूंगरपुर के लिए ऐतिहासिक रही। शहर के करीब 4 किलोमीटर तक राम भक्तों की भीड़ लग रही देखी गई। जहां देखो वहां सिर्फ हाथों में भगवा ध्वज लिए लोग ही लोग नजर आ रहे थे। जानकारों की माने तो इस बार डूंगरपुर में 40,000 के आसपास लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। रास्ते में रैली की वजह से जाम नजर आए। वहीं रैली गुजर रही थी वहीं पुष्प वर्षा भी न होती हुई नजर आ रही थी। 600 किलो फूलों की पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के माध्यम से मानो बरसात हो रही है। शोभा यात्रा में गुलाब के फूलों के द्वारा हेलीकॉप्टर से बरसात करवाई गई। शोभा यात्रा में 600 किलो गुलाब के फूल की बरसात हुई। गुलाब के फूल आसमान से बरसाए जा रहे थे। लोग फोन में वीडियो बनाकर अपना आनंद ले रहे थे। डूंगरपुर के इतिहास में पहली बार रामनवमी पर हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसात हुई। वहीं शोभा यात्रा में अचानक बेमौसम बारिश ने भी अपना मिजाज बदल दिया। लोग एक तरफ गर्मी को लेकर चिंतित थे तो वहीं आसमान में बारिश की बूंदों ने लोगों का आनंद और बढ़ा दिया। बारिश के साथ राम भक्त और नाचते गाते नजर आए। News 24 पब्लिक लाइव से नेपाल सिंह राठौर की रिपोर्ट। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।